नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हर तरफ सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि क्या कोरोना इसी तरह से फैलता जाएगा, क्या कोरोना पूरे इंडिया में इस तरह से फैल जाएगा। और साथ ही साथ देखें तो इतने सारे मैसेजेस मेरे पास आए, इतनी सारी रिक्वेस्ट, इतने सारे सवाल, इतने सारे क्वेश्चंस महाराष्ट्र के ऊपर आए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितने भारी भारी मैसेजेस मेरे पास आए हैं। अब आज हम बात करते हैं यहाँ पर कि महाराष्ट्र में फाइनली कब तक आखिर ये कोरोना का प्रकोप जो है वो चलता रहेगा और महाराष्ट्र में ही क्यों इतनी तबाही मच रही है। देखिए, पहले मैं आपसे नॉर्मल बात करूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मैं आपको अपना जनरल मत बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले महाराष्ट्र में देखिए कोरोना बढ़ना और स्पेशली पुणे जैसी सिटी में कोरोना का बढ़ना, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेटेड लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोरोना कैसे और क्यों बढ़ रहा है? क्या वो लोग सावधानी नहीं रख रहे? क्या वो लोग ध्यान नहीं रख रहे? ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मेरी कैलकुलेशन में है या जो मेरे को लगता है कि ऐसा होना चाहिए, आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि सभी को पता है, पूरी इंडिया को पता है कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों वैक्सीन के एक्स्ट्रा डोज नहीं दिए जा रहे और क्यों सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही? क्यों महाराष्ट्र में गवर्नमेंट को परमिशन नहीं दी जा रही कि आप 30+ को लगवा लीजिए वैक्सीन? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल खुद महाराष्ट्र की सरकार भी पूछ रही है कि हमें आप इजाज़त दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार खुद मोदी सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है और वो परमिशन लेने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। तो यहाँ पर द थिंग इज़ कि जब चीज़ें इस तरह से चल रही हैं तो ये बिल्कुल साफ दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। अगेन वही चीज़, महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की एक नई साजिश यहाँ पर रची जा रही है, एक नई साजिश यहाँ पर की जा रही है, ये बिल्कुल क्लियर दिखता है। क्योंकि आज जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैंने प्रश्न कुंडली के माध्यम से और उद्धव ठाकरे जी की कुंडली के माध्यम से दोनों ही एंगल से देखने की कोशिश करी है और यहाँ पर ये दोनों ही एंगल ये दिखाते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो थोड़ी अप डाउन वाली यहाँ पर ज़रूर दिखाई देती हैं। तो एक नया सिनारियो यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और सवाल ये है कि हम वैक्सीन को बाहर भेज रहे हैं, हम वैक्सीन को दूसरी कंट्रीज़ में भी दे रहे हैं, तो हम क्यों ना पहले अपनी कंट्री की जो डिमांड है उसको पूरी तरह से फुलफ़िल कर लें। इवन जो पुणे में जो कंपनी ही पुणे में है डिस्ट्रीब्यूट करने की, बनाने की, तो वो तो पुणे में बहुत आराम से डिलीवर भी कर सकती है स्टॉक को और बहुत आराम से चीज़ लग भी सकती है सभी को। जब अगर वैक्सीन लग जाएगी एक बार तो ये जो बढ़ते हुए केसेस हैं ये वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, ये वैसे ही कम हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं किया जा रहा और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। आखिर क्यों महाराष्ट्र की पब्लिक को सबसे पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही? मैं मानता हूँ पूरे इंडिया में लगवाना ज़रूरी है, बट हमें जहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि महाराष्ट्र में अगर दिन के 25,000 केस, दिन के 20,000 केसेस अगर आ रहे हैं, तो ये कॉमन सेंस कहता है कि महाराष्ट्र की पब्लिक को सबसे पहले वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि वहाँ पर बढ़ते हुए केसेस की संख्याएँ थोड़ी सी कम हो जाएंगी, उसके बाद आप पूरे इंडिया में भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज़ द कॉमन सेंस बेसिकली। आई डोंट नो क्योंकि क्या स्ट्रैटेजी है या वो किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, बट मैं महाराष्ट्र के लिए स्पेसिफिकली ये कहना चाहूँगा कि अगर महाराष्ट्र में वैक्सीन अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं उन्हें सभी को लगाने के लिए अप्रूवल देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी यही एक रास्ता है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, तो ये बचाने का रास्ता हमें लेना चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस की, कि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा क्या योग बन रहा है कि महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा परेशानियां आ रही है और उद्धव ठाकरे सरकार को इतनी ज़्यादा गंभीर स्थिति का सामना वापस से करना पड़ रहा है। अगर हम देखें दोस्तों, तो उद्धव ठाकरे जी की कुंडली को अगर देखें ध्यान से, तो उद्धव ठाकरे जी का जब शपथ समारोह हो रहा था तो वो समय जो था वो बड़ा खराब, बड़ा ही मतलब उलझन वाला समय था। वहाँ से जो इनकी कार्यकाल की शुरुआत हुई है वो अभी तक भी संतुष्टि भरी नहीं रही, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव, मतलब कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। कुछ लोग समझते हैं कि उद्धव ठाकरे इज़ नॉट केपेबल फॉर सीएम पोजीशंस,
कुछ लोग समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा केपेबल है और वो समझ सकते हैं चीज़ों को, बट उनके पास भी कुछ चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं किसी पार्टी का साइड नहीं ले रहा, मैं किसी एक के ऊपर बात नहीं कर रहा, बट मैं स्पेशली मेरी जो आज बातचीत है वो महाराष्ट्र के ऊपर है, ना कि स्पेसिफिक महाराष्ट्र के सीएम के ऊपर। तो हम बात करेंगे महाराष्ट्र के ऊपर कि महाराष्ट्र में स्थिति जो है वो कब तक गंभीर रहेगी और कब तक स्थिति सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने देखा है कि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके कार्यकाल को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये अब एक पड़ाव यहाँ पर आ रहा है उद्धव ठाकरे जी की, इट विल कॉल अ सेकेंड पड़ाव। एक पड़ाव जो हमने देखा 2020 में यहाँ पर अब आ चुका है दूसरा पड़ाव, और तीसरा पड़ाव उद्धव ठाकरे जी को देखने को मिलेगा अक्टूबर के महीने में। जी हाँ, जब अक्टूबर के महीने को उद्धव ठाकरे जी क्रॉस कर देंगे तो उसके बाद ये कन्फर्म हो जाएगा कि वो पूरा पूरा कार्यकाल यहाँ पर निभा के चलेंगे और पूरा कार्यकाल उनका अच्छे से चलता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये वाला जो पड़ाव है, ये भी पड़ाव वो आराम से निकाल लेंगे, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ उनका ये कार्यकाल भी आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ये मतलब जो पड़ाव जो है ये कब से शुरू हो चुका है, ये फरवरी के महीने से ही शुरू हो चुका है। ये कब तक चलेगा, तो ये पूरा अप्रैल का महीना इनका चलेगा। तो फरवरी से लेके फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीन महीने जो है ये महाराष्ट्र के लिए थोड़े से खराब थे। फरवरी हमने देख लिया, मार्च हम देख ही रहे हैं, एक एक दिन बड़ा भयंकर निकलता जा रहा है, अब अप्रैल में क्या होगा। तो देखिए, शुरुआत और अंत हमेशा नॉर्मल होती है, बट बीच का समय जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, और यही बीच का समय जो है ये महाराष्ट्र में हर तरफ तबाही दे रहा है, आग दे रहा है महाराष्ट्र में, अब आपको बीमारी दे रहा है, और महाराष्ट्र में आने वाले समय में कहीं ना कहीं साइक्लोन भी दे सकता है। इसकी भी मेरी कैलकुलेशन है यहाँ पर बन रही है, मैंने आपको पहले भी कल वाली वीडियो में भी कहा था कि अप्रैल मई के आसपास साइक्लोन देखने को मिल सकता है इंडिया में। अब वो कहाँ हिट करेगा वो तो अभी समय बताएगा, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उससे पहले मैं आपको एक सही जानकारी दे पाऊँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो महाराष्ट्र में अभी जो कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, अगर उस पर डीप कैलकुलेशन करी जाए, बिल्कुल डीप कैलकुलेशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये डीप कैलकुलेशन कहती है कि सबसे पहले 28 मार्च के बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस कम होने लग जाएंगे। वैसे आपको बहुत जल्दी रिलीफ दिखेगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं काटना पड़ेगा महाराष्ट्र की सरकार को या महाराष्ट्र की पब्लिक को रिलीफ के लिए, बहुत जल्दी रिलीफ दिखने लग जाएगा, ऐसी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आने वाले तीन दिन वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आने वाले तीन दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि आने वाले तीन दिनों में केसेस अगर कम होते हुए दिखे तो ये कन्फर्म है कि 28 तारीख के बाद से ही केसेस कम होने लग जाएंगे। अगर आने वाले तीन दिन में भी केसेस बढ़ते हुए नजर आए, जो कि आज का नंबर है उससे ज़्यादा, तो फिर कहीं ना कहीं ये 5 अप्रैल के बाद ही कम होते हुए नजर आएंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनेंगे। बट ये कन्फर्म है कि अप्रैल टच होते ही महाराष्ट्र में केसेस की गिरावट आना शुरू हो जाएंगी और केसेस रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और स्टिल मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये केसेस जो आ रहे हैं ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस नहीं है, मतलब कि ये प्लैनेटरी पोजिशंस के कारण नहीं आ रहे हैं, ये अपनी गलती के कारण या अपने कर्मा के कारण आ रहे हैं। और जब कर्म का कैलकुलेशन बनता है तो उसमें कोई प्लैनेट आगे पीछे नहीं होता, उसमें सभी प्लैनेट कर्म का ही सहयोग देते हैं, कर्म के फल का ही सहयोग देते हैं। अभी भी कहूँगा महाराष्ट्र की एक एक जनता को जो मेरा वीडियो देख रही है, कि आप बस अपने कर्म पर ध्यान दें और आप अपने घर पर रहें कुछ दिन, तो शायद कहीं ना कहीं आपको ये खराब परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड अगेन मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि परिस्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी खराब दिख रही है या जितनी खराब दिखाई जा रही है। महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा केसेस नहीं होंगे जितने हमें दिख रहे हैं या जितने हम अनुमान लगा रहे हैं, तो इसलिए अनुमानों पर मत चलिए, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखिए और प्रैक्टिकल चलने की कोशिश करिए, तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तीन दिन रुकिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और उसके बाद 28 मार्च के बाद से इम्प्रूवमेंट दिखेगा और 6 अप्रैल के बाद अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी मैं और आने वाले समय में महाराष्ट्र के ऊपर और कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे फायदे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको जो भी जानकारी मैंने दी है समझ में आई होगी, और इस वीडियो की जानकारी से आप कहीं ना कहीं समझे होंगे कि क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।